एक सवाल पूछा है कि मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन में क्या डिफरेंसेज है, अर्थात यहां पर थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होता है पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण। तो जो पश्चिमीकरण है और इसका अर्थ होता है आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण। ये दोनों में बहुत ही अंतर है। पश्चिमीकरण का यहां सेंस सीधा सा है कि चाहे अच्छी चीजें हो या बुरी चीजें हो, जो भी पश्चिमी देशों में है उससे हम स्वीकार कर रहे हैं। जैसे यदि हम यहां पर देखें कि यूरोप में या फिर आपके पश्चिमी देश किसी में लेकर चलिए, चाहे अमेरिका हो, इन सब चीजों में अगर बुराइयां हैं तो उन बुराइयों को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अच्छाइयों के साथ साथ। अब मान लीजिए कि कोई सिगरेट पी रहा है, तो सिगरेट अच्छी चीज तो नहीं है। अगर कोई शराब पी रहा है तो शराब अच्छी चीज तो नहीं है। कोई अगर देह व्यापार कर रहा है तो देह व्यापार तो भारतीय संस्कृति के लिए अच्छी चीजें नहीं है। ठीक इसी ढंग से कोई यदि मानव दुर्व्यापार कर रहा है, मानव को मानव श्रम यानी बालात श्रम कर रहा है, तो ये भी सही चीजें नहीं है। तो हालांकि इसमें अच्छी चीजें भी होती है, लेकिन पश्चिमीकरण में आप देखेंगे कि हमारे बड़े बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर आपके मुंबई में, जो लेडीज एंड जेंट्स यंग उम्र के हैं वो मॉडर्नाइजेशन का वेस्टर्नाइजेशन ज्यादा कर रहे हैं। वो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूस भी पिएंगे तो विदाउट लिकर नहीं लेते। उनका कहना है कि जीवन का एक अभिन्न अंग है, पीना ही चाहिए। अगर नशा अच्छी चीज होती तो निश्चित ही रूप से सबको का दाल भात की तरह बनाते खाते क्या दिक्कत था। जब भी आपका माइंड कॉन्शियस ना रहे वो चीजें अच्छी नहीं होती है, तो आपका माइंड अनकॉन्शियस हो रहा है वहां पर। सिगरेट पीना जिसे लंग्स खराब होते हैं, ब्लड में निकोटिनामाइड ज्यादा चला जाता है, तो ये सारी चीजें जो है आपके कुछ अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी अगर आ जाए, यह है वेस्टर्नाइजेशन। और मॉडर्नाइजेशन में है कि जो वहां की चीजें अच्छी चीजें कुछ है, यानी कि एजुकेशन, तो वहां का जैसे सभी साक्षर है तो साक्षरता को अपनाइए। दूसरी चीज है कि जो जेंडर इक्वलिटी है, लिंगीय समान, स्त्री और पुरुष दोनों जो है बराबर के हक को रखते हैं, तो उन चीजों को रखिए, वो सब सही है। जेंडर इक्वलिटी, ठीक इसी तरह से आपके साइंटिफिक सोसाइटी को डेवलप कीजिए। अब किसी को तबियत खराब हो तो ओझा के पास नहीं ले जाके डॉक्टर के पास ले जाना, ये क्या है, आपका मॉडर्नाइजेशन है। ठीक इसी तरह से किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो अस्पताल ले जाना, तो इन सब चीजों को हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। पश्चिमी देशों में या कहीं भी जो अच्छी चीजें हैं, जो विज्ञान को बढ़ावा दे, जो छुआछूत को समाप्त करे, जो लिंगीय विषमता को समाप्त करे, जो सबको एजुकेशन की ओर ले जाए, जो अमीर और गरीब के अंतर को बांटे, इन सबको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता। और हमेशा ही आधुनिकता एक अच्छी चीज होती है इस पश्चिमीकरण से। आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, लोग विकास कर रहे हैं, महिलाएं भी गाड़ी चला रही है, महिलाएं सरकारी सेवा में जा रही है। आज ही हम देखे हैं नॉमिनेशन हो रहा था छपरा में, तो कई महिला दरोगा खड़ी थी, अच्छी लग रही थी। ठीक इसी ढंग से कितनी महिला पुलिस खड़ी थी और महिलाएं जो रैली में आई हुई थी नॉमिनेशन के दौरान,
उनको व्यवस्थित करने के लिए बराबर उनके गोल में जाकर उनको लाइन में करके नहीं अठर इस रास्ते से जाओ सर जाम मत करो। तो इस तरीके से पहले पुरुष नहीं जा पाते थे डर के मारे, और जाते भी थे तो स्त्रियों को अच्छा नहीं लगता था कि पुरुष हम लोगों के इस भीड़ में आ रहा है, ठीक नहीं है। अब स्त्रियों के भीड़ में स्त्री जा रही है तो स्त्री को बुरा भी नहीं लग रहा है और आसानी से व्यवस्था भी बन रही है। महिला की तबीयत खराब है और महिला डॉक्टर है तो आसानी से सारी चीजें महिलाएं शेयर करती है। अगर पहले पुरुष डॉक्टर होता था तो महिलाएं बहुत सारी अपनी बीमारियों को अपने शरीर में दबा के रख लेती थी, ऐसे ही घुटघुट कर जीती थी। लेकिन महिला से शेयर करना मुश्किल क्या हो गया है, आसान हो गया है, इजी वे में कर रही है। महिला प्रशासक अगर सामने है तो उससे भी अपने अंदर की भावनाओं को शेयर कर रही है, अगर उसके साथ कहीं कोई गलती हुआ है तो इस तरीके से ये हुआ मॉडर्नाइजेशन। यानी सब लोग महिला को कहीं जाना है मार्केट वगैरह, अपना स्कूटर उठाई चल दी, अपना किताब खरीद के लाए, दवा खरीद के लाए, मम्मी का इलाज करा रही है। तो ये है आपका मॉडर्नाइजेशन। तो हमेशा ही वेस्टर्नाइजेशन में अच्छी चीजों के साथ साथ बुरी चीजें भी आ जाती है। और मॉडर्नाइजेशन में भारत के परिप्रेक्ष्य में हम अपने समाज को ध्यान में रखकर उसकी केवल अच्छी चीजों को जब अपनाते हैं तो ये क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, जिसमें विज्ञानवाद अधिक होता है और देखने के लिए कम। जो देखा देखी करते हैं वो नहीं, हम अपना अकल और बुद्धि लगा के काम करते हैं, वही है आपका मॉडर्नाइजेशन। और धीरे धीरे भारत जो है वेस्टर्नाइजेशन की ओर मुड़ा था, लेकिन अब जो है वो मॉडर्नाइजेशन की ओर मुड़ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।